हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू दिस सेशन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अगेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मूले थे, वो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कर चुके हैं। अब हमें आज के सेशन में और इससे नेक्स्ट सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ यू विल बी हियरिंग द टर्म स्टोइशियोमेट्री, है ना, एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? तो बात कर लेते हैं यार स्टोइशियोमेट्री क्या होता है। सो बेसिकली यार हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है ना, आप किसी रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास कैसे निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ बेसिकली स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो अभी हमें, अब तक हमने जितना भी कुछ सीखा है उस सब का इस्तेमाल करते हुए हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हम नहीं लेके आए हैं, जो नीट के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बड़े आराम से, बड़े प्यार से होने वाले वही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्या कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, मास परसेंटेज हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पिछले सेशन में, है ना, कि हम मास परसेंटेज ऑफ अ कॉम्पोनेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू गो एंड वॉच देम, ठीक है भाई। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज की, ठीक है। तो यार मास परसेंटेज ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ए आप कैसे निकाल रहे थे, ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, जस्ट अ मिनट, ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ए। हम पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हम देख पाएं कि हमारी अप्रोच जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है भाई। सो यस, हाउ डू यू डू दैट, बताओ। यू से मैम मास ऑफ सॉल्यूट या जिस भी हम कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं वो, राइट? सो यू कैन से मास ऑफ कॉम्पोनेंट ए ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। डू यू रिमेंबर पहले वाला जो टर्म था न्यूमरेटर वाला, वो आपके कॉम्पोनेंट से रिलेटेड था, नीचे वाला आपके सोल्यूशन से रिलेटेड था। सो ओवर मास ऑफ सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अभी देखो यार, अगर हमें मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, पहले अगर बेंजीन की निकालनी है तो क्या किया जाए, पहले देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ बेंजीन कितना लिया है भाई हमने, मास देख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड, है ना, कितना भाई, 22 ग्राम्स। तो देखो मास ऑफ बेंजीन कितना है यहाँ पे, 22 ग्राम्स ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन बच्चे आप कैसे निकालोगे, बेंजीन प्लस CCl4 का मास, बेंजीन कितना है बच्चे हमारे पास, 22 ग्राम्स है, और CCl4 कितना है, 122 ग्राम्स है, राइट, दिस इज
122 ग्राम्स. तो बच्चे टोटल कितना निकल के आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इस केस में 144 ग्राम्स, राइट. तो आप यहाँ पे क्या करोगे 22/144 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 15.28%, राइट. दिस विल अप्रॉक्सीमेटली कम एज 15.28%. तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकाल लो. बहुत बेसिक परसेंटेज की बात कर रहे हो और सिर्फ आपके पास दो ही टर्म्स हैं, बेंजीन है और CCl4 है. तो आप मास परसेंटेज ऑफ CCl4 बच्चे कैसे निकाल सकते हो, टोटल परसेंट, टोटल सॉल्यूशन 100%, उसमें से 15.28% क्या है, बेंजीन है. तो बाकी का क्या होगा, CCl4 होगा. सो ये हो गया पहला तरीका कि आप निकाल सकते हो मास परसेंटेज ऑफ CCl4, सही है. दूसरा तरीका एग्जैक्टली ऐसे ही, एग्जैक्टली जैसे अभी हमने ये निकाला है वैसे ही आप निकाल सकते हो मास परसेंटेज ऑफ CCl4. हाउ, मास ऑफ कॉम्पोनेंट. अब की बार हमारा कॉम्पोनेंट क्या है, CCl4 है. तो आप बोलोगे मैम 122/144 मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. जस्ट लुक एट इट एंड देन वी विल मूव अहेड. इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो. तो जब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करोगे इट विल कम आउट टू बी 84.72%, राइट. 84.72%, ठीक है भाई. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट लुक एट इट और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं. जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. लेट्स लुक एट इट. व्हाट इज दिस, कैलकुलेट द मोलारिटी. हमें क्या निकालना है बच्चे, मोलारिटी निकालनी है ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन. ओके, तो आपने क्या किया है, आपने 4 ग्राम NaOH लिया, उसको आपने पानी में डिजॉल्व किया, ठीक है. और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 250 ml निकल के आया, ठीक है. तो हमें अब मोलारिटी बतानी है NaOH की, ठीक है. तो सबसे पहले यार मोलारिटी को याद करते हैं. मोलारिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल m से, कैपिटल m से, ठीक है भाई. सो दिस इज मोलारिटी. और अगर एक याद दिलाने के लिए आपको बताया जाए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स सॉल्यूट के होते हैं वो उसकी मोलारिटी कहलाती है, वो सॉल्यूशन की मोलारिटी कहलाती है, ठीक है भाई. सो यस, मोलारिटी, हाउ डू वी कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात कि आपको जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है वो आप हमेशा किस में लोगे बेटा, लीटर्स में लोगे. ये है सबसे मुद्दे की बात, ठीक है भाई, इन लीटर्स, क्लियर है. तो देखो हमें सबसे पहला स्टेप न्यूमरेटर चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए. तो यार नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट. हाउ डू यू कैलकुलेट इट, यू कैन से मैम गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, राइट. तो देखो यार गिवन मास कितना है NaOH का, मैम इट इज 4 ग्राम्स, राइट, इट इज 4 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा भाई, अगर आप बात करते हो NaOH के बारे में, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40 हो गया.
So given mass is 4 grams and molecular mass is 40 grams. तो यार ये निकल गए number of moles. Numerator solve हो गया. नीचे बात कर लेते हैं. Volume of solution हमें already given है. कितनी? 250 ml. ये जो है already हमको given है. Question में किस में given है? ml में given है. हमें किस में निकालनी है? हमें लीटर्स में चाहिए. हमें किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए. तो हम क्या करेंगे बेटा? यू ऑल नो कि एक लीटर में 1000 ml होते हैं. एक लीटर में 1000 ml होते हैं. अभी अगर हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन है, हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है. अगर आपको हमेशा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है ना, आपको मिली लीटर से लीटर में जाना है, तो आप हमेशा डिवाइड करते हो, राइट? सो यू हैव टू डिवाइड 250 बाय 1000 एंड यू विल गेट योर वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? 250 डिवाइडेड बाय 1000 और ये वॉल्यूम हमारी किस में आ गई? लीटर्स में आ गई. ये हमारे पास क्या है? मोल्स आ गए, सही है? तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई ना, मोल्स पर लीटर में. सही जा रहा है मतलब सब कुछ? अब बड़े प्यार से, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सही है, चलो करके भी देख लेते हैं. 4/40 इज 1/10, तो आपके पास ये डायरेक्टली आ गया कितना? 0.1, राइट? या आप इसको बोल सकते हो 10^-1, है ना? 0.1 इज 10^-1 ओवर दिस इज 250 इंटू 10^-3, सही है? सो इट बिकम्स -1 and -3, तो -1 -3 हो जाएगा, राइट? वेरी इजी, वेरी सिंपल. इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सिंपल एक्सपोनेंट्स एंड पार्स का क्वेश्चन है, सही है? और ये 1/250, जब इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, राइट? इसको जब आप सॉल्व करोगे, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0.4 मोलर. दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट. ठीक है, आपने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स निकाले गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला लीटर्स में, एंड देन यू आर सिंपली डन. कूल है? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन? देखो, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3 सपोज टू बी अ कार्सिनोजन. द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास. हमें इसको किस में एक्सप्रेस करना है? परसेंटेज बाय मास में हमें इसको एक्सप्रेस करना है. तो सबसे पहले यार समझते हैं कि 15 ppm CHCl3 का मतलब क्या है. सो इफ आई टेल यू दैट आई हैव 15 ppm CHCl3 सॉल्यूशन, मींस इसका मतलब क्या है? इट मींस कि अगर आपके पास 10^6 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें से 15 ग्राम जो है वो क्या है? CHCl3 है. तो आप क्या बोलोगे? 15 ग्राम CHCl3 इन 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, इन 10^6 ग्राम सॉल्यूशन. ये मतलब होता है 15 ppm सॉल्यूशन का. ठीक है जी, और आगे बात करते हैं. हमें अब क्या बताना है? मास परसेंटेज बताना है CHCl3 का, राइट? मास परसेंटेज ऑफ CHCl3. तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना जरूरी है, चलो देखते हैं. मास ऑफ CHCl3 ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो देखो सब कुछ तो है आपके पास. CHCl3 का बेटा मास कितना है?
मैम 15 ग्राम्स. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 10 रेज टू पावर 6 ग्राम्स, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 10 रेज टू पावर 2 मैं बोल सकती हूँ. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, राइट? इट बिकम्स 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर. जल्दी से देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करनी है. देखो भाई जल्दी से, आई बिलीव दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई. अ सोल्यूशन इज मेड बाई डिजॉल्विंग 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर. फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट्स. हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो देखो यार, हमें पता है कि मैम मोल फ्रैक्शन क्या होता है. देखो, इफ आई टेल यू अबाउट, से हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहला कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या है, NaCl है. सो लेट्स टॉक अबाउट NaCl, है ना. तो इसमें हमें क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ओवर नंबर ऑफ, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? और हमको क्या पता है यार कि मैम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गिवन मास, कि उस कंपोनेंट का कितना मास है ओवर इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट? ओवर इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट NaCl, इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, सो बेटा ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितने 2 मोल्स, है ना. इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये हमें कैसे पता है, दिस इज़ गिवन टू अस, दिस इज़ गिवन टू अस. और अगर बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बारे में, क्योंकि आपने NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया है, तो आप कैसे निकालते हो बेटा नंबर ऑफ मोल्स, एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला जो भी यहाँ पे लिखा था. गिवन मास, ऑलरेडी देखो आपने कितना ग्राम वाटर लिया है, 180 ग्राम्स वाटर लिया है. सो हियर इट गोज, 180 ओवर गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, कितना होता है बेटा H2O का 2 प्लस 16 यानी कि 18 हो गया. सो हियर वी गॉट हाउ मेनी मोल्स, 10 मोल्स, राइट? वी गॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर, सही है. तो यार यहां से अब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, राइट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट? मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बेटा कितने हो गए, 2 प्लस 10 यानी कि 12 मोल्स हो गए टोटल. क्लियर है? बस निकाल लो अब आप आराम से मोल फ्रैक्शन. तो बेटा ये कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 12 हो गए. क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो यार ये कितना आ गया, सीधा सीधा 1/6 आ गया, राइट? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/6, सही है. अब देखो हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट्स हैं. फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1. तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1 - 1/6 कितना आ गया बेटा, सीधा सीधा 5/6, राइट? कितना आ गया, सीधा सीधा 5/6. ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे मैम मेरे को ऐसे ही निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे हमारे पास, 10, राइट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 12. आ गया वापस से 5/6. क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको बस आराम से वैल्यूज डालने हैं एंड यू विल गेट द आंसर, सही है. जल्दी से देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ. देखो भाई जल्दी, अभी बात करते हैं यार अगले क्वेश्चन के बारे में. Which is about the interrelation between molarity, molality and density of the solution. तो देखो
डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑल डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच दैट इज एसिटिक एसिड इन वॉट इन वॉटर इज 1.02 ग्राम्स पर एम एल द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज. तो मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला बताया था पिछले सेशन में इन सभी चीज़ों को रिलेट करने के लिए, सही है. वॉट इज दैट? यू कैन से 1 by molality इज इक्वल टू डेंसिटी by molarity minus molecular mass of the solute over 1000. इसमें जो हमारी डेंसिटी है बेटा, इट मस्ट बी इन ग्राम्स पर एम एल. ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, क्लियर है. तो देखो यार, आपको यहाँ से मोलैलिटी निकालनी है एंड यू हैव रेस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है. डेंसिटी बेटा आपको कितनी गिवन है, 1.02 ग्राम्स पर एम एल. मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है, 2.05 हमें मोलैरिटी गिवन है माइनस सी एच थ्री सी ओ ओ एच. दिस इज आर सल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना निकल के आएगा, सी एच थ्री यू कैन से सी टू एच फोर ओ टू, राइट, क्लियर है. दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो दिस इज 24 प्लस 4 प्लस 32, राइट. सो दिस इज 28 प्लस 32 विच इज 60, राइट. सो हियर इट कम्स 60 एंड 1000. अब बस आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल करना है एंड देन यू विल गेट योर मोलैलिटी. तो चलो यार, अगर आप इसको बड़े ऑथेंटिक तरीके से सॉल्व करोगे, सो व्हाट विल यू डू, यू विल से मैम 2.05 into 1000, राइट. ऊपर क्या आएगा बेटा, इट विल बी 1000 into, ये टर्म हट जाएगी, 1000 into 1.02 माइनस, देन इट विल बी 2.05 into 60, राइट. 2.05 into 60, देन यू हैव टू सिंपली रेसिप्रोकल इट. और जल्दी से मेरे को बताओ कि जब आप इसको सॉल्व करके मोलैलिटी निकालोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितनी आएगी. सॉल्व करना है आपका काम, जल्दी से भाई मेरे को बताओ कि जो मोलैलिटी है वो कितनी निकल के आने वाली है, क्विकली, एंड देन वी विल मूव अहेड. बताओ भाई. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द मोलैलिटी एज 2.2, ठीक है भाई. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड आगे देखते हैं आगे क्या है. आज के सेशन के लिए इतना ही, कल भी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं, कुछ पी वाई क्यूज नीट के, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk.